नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभी। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदेश भर में आज का दिन काला दिवस के रूप में मनाया गया। प्रदेश की शिवराज सरकार के 100 दिन पूरा होने पर कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रकट किया। कांग्रेसियों ने कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त और तोड़फोड़ कर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनी हुई कमलनाथ सरकार को गिराकर ये सरकार बनाई गई है, जो कि लोकतंत्र के लिहाज से ठीक नहीं है और इसलिए रीवा सहित प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा काला दिवस मनाया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ये सरकार आम जनता के हित की ओर ध्यान न देकर अपने आप में ही व्यस्त है। ट्रांसफर प्रमोशन की ये सरकार डीजल, पेट्रोल, कोरोना जैसी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे पा रही है। यही नहीं, 100 दिन होने को आए अपना मंत्रिमंडल भी नहीं बना पाए। इधर आम जनता बिजली पानी की समस्याओं से लगातार परेशान है। राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने शिवराज सरकार को सभी मोर्चे पर असफल बताते हुए सरकार के क्रियाकलापों पर निराशा जताई। चोरों और धोखे की सरकार है, चोरी भी करते हैं, सीनाजोरी भी करते हैं और प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है। चुनी हुई सरकार को खरीद के फरोख्त के जयचंदों के माध्यम से इस सरकार को, जो सरकार 100 रुपये बिजली का बिल दे रही थी, वृद्धा पेंशन में 600 रुपये दे रही थी, कन्या विवाह में 51,000 दे रही थी, उस गरीब की जनता की चुनी सरकार को इन्होंने गिराया है। और उसी परिपेक्ष में आदरणीय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आदेश पे हम सब लोगों ने काला दिवस मना के मौन जुलूस निकाला। कमेटी के निर्देशानुसार हमारे जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी और सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा काला दिवस मनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे देश की जनता, भारतीय जनता पार्टी हो, उस विचारधारा की पार्टी है जिस विचारधारा ने आज़ादी की लड़ाई में आज़ादी का विरोध किया था। उस विचारधारा की सरकार है जिस विचारधारा ने मुस्लिम लीग के साथ मिल करके RSS और विश्व हिंदू जैसे संगठन ने देश में आज़ादी के आंदोलन का विरोध किया था, उस विचारधारा की सरकार है। ये सरकार चाहती है, ये जो चाहती नहीं थी कि इस देश में प्रजातंत्र आए, ये देश आज़ाद हो। आज वो चाहते कि किस तरह से जो हमारे संविधान ने, हमारे आज़ादी के दीवानों ने जिस तरह से हमारे देश के गरीब आवाम को हक और अधिकार दिया है, उनको स्वाभिमान और सम्मान से अवगत कराया है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किस तरह से इस देश में ऐसा माहौल पैदा किया जाए, ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाएं कि गरीब अपना हक अधिकार भूल जाए, अपना स्वाभिमान और सम्मान भूल जाए और पूंजीपतियों के जयचंदों की सरकार बनी रहे इस देश और प्रदेश में, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। उसका कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने देश के लिए त्याग और बलिदान किया है, खून और पसीना दिया है। उस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मर मिटेगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे को पूरा नहीं होने देगा। इसी संदेश के साथ ही काला दिवस मनाया जा रहा है और आदरणीय राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से समाजवादी प्रजातांत्रिक मूल्यों की सरकार बनेगी। धन्यवाद। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। गुड मॉर्निंग टीवी को YouTube में सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। नमस्कार।